सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रावली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड चंदा
वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूर कुक्कुटभृते महाशक्ति धरेणवे कौमारी रूप संसारे नारायणी नमस्ते शंख चक्र गदा शारंगहित परमाजुगे कृष्ण वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते ग्र महाचक्र दशरथ वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्ते नृसिंह रूपेण त्रैलोक्य प्राण सहित नारायणी नमस्ते किरीटनी महावज्र सहस्र नयनाध्वरे वृत्र प्राण हरे चेत्रे नारायणी नमस्ते शिवदूति स्वरूपेण हरदस्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्ते कंसाकराल वदने शिरोभाला विभूषणे चामुंडे मुंडवदने नारायणी नमस्ते लक्ष्मी राज्ये महावीर्ये श्रद्धे पुष्टि श्रुते ध्रुवे महारात्रि महावीर्ये नारायणी नमस्ते देवे सरस्वती वरे भूति भाव्रविदामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसोदन विशूलम्बातु नो भीतिर्भद्रकाली नमस्ते किमस्ति दत्ततेजांसि स्वरेणापूजयाजगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासिवसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नदाभयम् रोगाणशेषानपहाश्चतुष्टा ृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रिताणाम् त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति एतादृतं जगणं दयाथ धर्माद्विषान्ते प्रकरादिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगाद्वदन्या ममात्मगर्दे महान्धकारे निभ्रामयते तदति भविष्यम् रक्षासि यत्र गविशाश्रनाग यत्रारयोगस्य बलानि यत्र नावानलोजात्र तथापि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसि विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाय दैव किनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नित्यं यथा सुरवधा धदुणै
सत्यः पापानि सर्वजगतां रसमां नयाश उत्पादपाकजनिताश्च महापसर्ह जनतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वाधिहारिणि त्रैलोक्यभाषिनामिर्जयलोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसे ब्रह्मणत्वं प्रयच्छामि जगतामपकारक देवाहोजुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देव्यो वाच दैवस्यान्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भानि शुम्भसेवानामुत्पत्ते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यपि रौद्रेणारूपेण पृथिवीतले अवतीरहनिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् वक्ष्यन्द्राचतानुग्राचप्रचित्तान् महासुरान् रक्तारक्तावलिष्यन्ति नारिणे कुसमोपमाः करा मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुभङ्गो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्षदन्तिकाम् भूयश्च शतपाशिक्या मणाभीष्ट्या मनम्बसि मुनिवे संस्तुता भूम सम्भविष्यामि जो निज पराशलेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदाचीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आतं देह समुद्भवे हरिष्यामि सुराशाके आवृत्ते प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यामहं भवि तत्रैव जगदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं धर्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं जगा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचल रक्षामि भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् कदा मामुनयः सर्वे सोष्यग्रानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं धर्मे नाम भविष्यति जवाराख्यश्चैलोके महाभागं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सञ्चयपदम् त्रैलोक्यस्य हृदार्थाय भजिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणीति च मालोका तदा शोष्यन्ति सर्वतः एकं यदा यदा वाता दानवोथा भविष्यति कदा तदा वीर्याहं करिष्याम्यदि सञ्चया इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान विद्युत्थाम समर्पभामि गमते स्कन्धस्थितामीषणां कन्यामिः गर्भालकेन मिलसत् हस्ताभिरासेन
केटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति सर्वबलं सम्पन्नशम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा शोषन्ति चैव देवक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमः का तेषां दुःखितं किञ्च दुःखितोता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजायनम् शत्रुतो न वयं दस्या दस्युतो वा न राजतः काशस्थानतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मे तन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च तदावच्च परं स्वस्तयामिद उपसर्गाशातो महामारी समुद्भवान् तदा त्रिविधमुत्पादमाहात्म्यं शमजेण मम यत्रेतत्तिष्ठते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्धि मोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकाले महोत्सवे सर्वं मे चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् परिचिच्यामहं प्रीत्या वह्निमामं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यामवेदन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वा बाधाभिर्मुक्ता धनधान्या सुधान्वितः मनुष्यमक्तसारेण भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममे धर्माहासं तथा चोत्पत्तया शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः मम ऋभवः संशयं जाति कल्याणं चोपबध्यते नन्दते च कुलं बोधमाहात्म्यं मम शृण्वदा शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु शोग्रासु माहात्म्यं शृणुयामः उपसर्गाशमं जाते ग्रहपीडाश दारुणा दुःस्वप्नं च निवृत्तिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे निरामत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां वहाने करं परं रक्षोभूतविषाणां वरणादेव नाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं वशो पुष्पाग्रधूपे च गन्धदीपे तथोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयेन हरिनिशम् अन्ये च विविधे भोगे कदा निर्मत्सरेण प्रीतिर्मे क्रियते सात्यं सर्गे सुचरितेषु ते श्रुतमहरति पापानि सदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टचर्य निवर्हणम् कस्मेषु ते वैलिखितं वयं पुंसां न जायते युष्माभिसुरयोजाश्च ब्रह्मर्षिभिकृता ब्रह्मणा च कृता सा तु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धामाग्नी परिवारितः दस्युभिर्वाविदाशूने गृहीतो मापि शत्रुभिः सिंहव्याज्ञानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञाग्रन्थेन राज्ञप्तो वद्यो भन्धागतोऽपि वा आघूनितो वा वातेन स्थिता भोगे महानवे पदस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषदारुणे स
Okay.
सदा साधेनो सप्तशति देव्या मङ्गलसिद्धिं गुरुष्वमे इदं दुर्गञ्जिकातोत्रं मङ्गजागलिहेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिका देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् तातस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनान्यथा श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुर्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिनेश्वरे नमस्ते शरणमति दुरा
Shut up.
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षर का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षर का नाद कीजिएगा।
ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचियां जोता वाली जयकारा शेरा वाली जीदा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। शूलेन पाही नो देवी पाही खड़गेन चाम्बिके घंटा स्वयं ना पाही चावत जानी स्वरिंच। देवी आप शूल से मारी रक्षा करें, अंबिके आप खड़ग से भी मारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्याम रक्षपति च्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मण नात्म शूलस्य उत्तरस्याम तथे श्री चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्री अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। सौम्याणी यानी रूपाणी तैलोके विचरन्ति ते यानी चात्यर्थ घोराणी ते रक्षा स्मान तथा भुवम। देवी तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। खड़ग चूल गदादीनी यानी चास्त्राणी ते अंबिके कर पल्लव संगीनी ते स्मान रक्ष सर्वदा। अंबिके आपके कर पल्लव में शोभा पाण वाले खड़ग चूल और गदादी जो जो अस्त्र हों उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली जीदा खोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं स्वयं देवताओं पर राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का लान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उन सभी के कष्टों को सदा के दूर कर दिया। आप जानते हैं कि जब मथुरा में वसुदेव जी के जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ और वो उनको टोकरे में डाल करके जमुना के रास्ते गोकुल में ले गए, तब दूसरे दिन नंद के जहाँ बड़ा उत्सव मनाया गया और उधर नारद जी ने कंस को सारा बता दिया कि गोकुल में जितने भी गोप इत्यादि हैं जो सभी देवताओं के अंश हैं इसलिए वो आपके शत्रु हैं, इसलिए कंस भयभीत हो गया था। और फिर कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही धेनुकासुर पूतना प्रलम्बासुर इत्यादि का वध कर दिया, खेल खेल में गोवर्धन खुदा लिया और महाबली केशी का वध कर दिया। तब कंस ने समझ लिया कि मेरी मृत्यु अब निश्चित है। तब उसने उन दोनों का बलराम तथा कृष्ण का वध करने के लिए धनुष यज्ञ के बहाने अक्रूर जी को गोकुल भेजा और अक्रूर जी दोनों को रथ में बिठा करके मथुरा में ले आए। वहाँ कृष्ण जी ने धनुष को तोड़ा, कोवलापीठ हाथी का वध किया और खेल खेल में लीला पूर्वक कंस को केशों से पकड़ करके उसका वध कर दिया। तब उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, उग्रसेन को उनका राज्य सौंपा, वसुदेव जी ने दोनों भाइयों का उपनयन संस्कार करवाया और शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीप ऋषि के आश्रम में भेजा। वहाँ दोनों भाई 12 वर्ष की अवस्था में सभी विद्याओं में निष्ठात हो गए और मथुरा में रहने लगे। उधर जरासंध को जब पता चला कि उनके जामाता कंस का वध हो गया तब उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया परंतु 17 बार ही युद्ध में उपस्थित होकर कृष्ण जी ने उसको पराजित किया। तब जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भाईदायक काल जवन को वहाँ आक्रमण करने के लिए भेजा। तब कृष्ण जी ने सभी यादवों को समझाया कि जहाँ पर हमें
जरासंध का भय बना हुआ है, इसलिए ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का भी भय नहीं हो। जिस प्रकार शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं, भगवान विष्णु खीर सागर विशेष नाग की शैया पर विराजमान रहते हैं, इसलिए हमको भी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं हो। और कृष्ण जी बता रहे हैं कि मेरे मतानुसार द्वारकापुरी जो समुद्र के किनारे रैवत पर्वत के पास है, वहाँ में जाना चाहिए। और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके सभी यादवगण बैलगाड़ी में सामान डाल करके कृष्ण जी को आगे करके जो द्वारकापुरी में गए, जहाँ कृष्ण ने द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार करवाया और सभी यादव वहाँ पर बस के और स्वयं वो आके मथुरा में रहने लगे। वहाँ कालजवन आ गया है, कालजवन को देख करके कृष्ण जी हंसते हंसते उसके आगे चले और कालजवन उनके पीछे पीछे जाता रहा। कृष्ण जी वहाँ पहुँचे जहाँ रायश्री मुटकुंद जी सो रहे थे, उनको देख कर कृष्ण जी छुप गए और कालजवन ने जो समझा कि कृष्ण सो रहे हैं, उन पर पास से प्रहार किया। उस समय मुटकुंड जी ने जा करके क्रोध अग्नि से कालजवन को भस्म कर दिया। तब कृष्ण जी मुटकुंड जी के सामने खड़े हो गए, मुटकुंड जी ने उनको प्रणाम किया और वे वन में तपस्या के लिए चले गए। तब दोनों भाई स्वच्छंद विहार करने लगे और उधर रुक्मिणी का स्वयंवर शिशुपाल के साथ हो रहा था, जहाँ रुक्मिणी दुर्गा मंदिर के पास कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रही थी। वहाँ कृष्ण जी ने रुक्मिणी का हरण किया और राक्षस बेदी के साथ उसके साथ विवाह किया। कृष्ण जी की अन्य प्रराणियाँ जिनमें मित्रविंदा, जाम्बवंती, सत्यभामा, लक्ष्मण इत्यादि थी, जिनमें रुक्मिणी ने देखने में सुंदर प्रद्युम्न पुत्र को जन्म दिया, जिसका शंबरासुर ने प्रसूति गृह से हरण कर लिया। अपने प्रथम पुत्र के हरण होने पर कृष्ण जी बड़े दुखी हुए और उन्हें दुर्गा माता की शरण ग्रहण की और प्रार्थना की कि हे माँ, मैंने धर्मपुत्र के रूप में बद्रिकाश्रम में आपकी भक्ति की थी, क्या आपने मेरी उस भक्ति को विस्तृत कर दिया है? मेरे किस दोष के कारण मेरे पुत्र का हरण हुआ? यह तो मैं आपकी माया का खेल समझता हूँ, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही आपने देवकी माता जी के 5 महीने के गर्भ को संकर्षण द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया था, जबकि रोहिणी माता पति से दूर थी और संपर्क के बिना ही उन्होंने जो शेषनाग के अंश बलराम को जन्म दिया। पहले आप पुत्र जन्म का सुख प्रदान करती है, फिर तो उसको छीन करके दुखना दुख भी दे देती है। इसकी माता कुर्री पक्ष की भांति मेरे सामने विलाप कर रही है, जिसको देख करके मेरा दुख दुखना हो जाता है। हे माँ, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो मुझे बता दो, मैं नवरात्र व्रत करूँगा। इस प्रकार असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सहज भाव में करने में समर्थ कृष्ण को माता जी ने भक्ति करके देखा तो माता जी उनके सामने खड़ी हो गई और कहा कि कृष्ण, ये तेरे पूर्व जन्म का अभिशाप है, जिसको शंबरासुर प्रसूदी घर से हरण करके ले गया है। 16 वर्ष का होने पर वह शंबरासुर का वध करके पुनः आपके पास आ जाएगा। और इस प्रकार वरदान दे करके प्रचंड पराक्रम से संपन्न दुर्गा माता अंतर्धान होगी और कृष्ण जी की माता जी की इस दिव्य वाणी को सुन करके प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं स्वयं अवतार भी कृष्णस्तु स्वयं भगवाना या गौर शंकर में पड़ जाते हैं, वे भी अंतकाल में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी शक्तियों से संपन्न होते हुए जब दुर्गा माता की आराधना करते हैं, हम भक्तों क्यों नहीं करने चाहिए? अवश्य करने चाहिए, विशेष रूप से इस कलिकाल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। शास्त्रकारों ने पूर्व वर्णन कर दिया है कि कलो ही चंडी विनायको, कलिकाल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति का प्रताप होगा। जिस प्रकार आप देखते हैं कि सत्ययुग में भगवान विष्णु त्रेता में राम जी और द्वापर में कृष्ण की भक्ति भक्तों की, इसी प्रकार जो कलिकाल में गणपति आराधना करके दुर्गा माता चंडी की आराधना करेंगे, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। अतः आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदिकाल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपर आके 3 स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरदहस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको
विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐ अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः, इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के उच्चारण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश विदेश में सिद्धि मान प्राप्त होता है। और क्रीम के उच्चारण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुता रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे। अखियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय करा शेरां वाली जीरा बोली सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता के बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से, अपनी भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जयकारा शिरमणि जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जीना प्यार मैया दे नाल नहीं कीता, जीना प्यार मैया दे नाल नहीं कीता, ओ नहीं इस दुनिया विचों की खटिया, ओ नहीं इस दुनिया विचों की खटिया।
एक ध्यान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जय करा मेरी शरण में जिदा बोल सत्य दरबार की जय। तू दाती माता वंडे तेरे चरनी खड़ा सवाली खाली सामा मैं लेके आया नीमा मेरा अजे भी पलड़ा खाली नीमा मेरा अजे भी पलड़ा खाली शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी से बचड़े ते छा ममता दी करी से बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर न छुका मदे प्यार दाती कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मनु पवन च रख के वादार दाती पवन च रख के वादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोत वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोत वाली माँ ममता दी करी से बचड़े ते छा ओ ममता दी करी से बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नु चुकावा दे दे प्यार दाती कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मैनु पवन च रख सेवादार दाती 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 दाती मन नाम तेरे रंग बिच रंगना हाथ होवे होर नहीं मंगना तेरे हाथ होवे होर नहीं मंगना तेरे हाथ होवे होर नहीं मंगना दाती मनाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे हाथ होवे होर नहीं मंगना तेरे हाथ होवे होर नहीं मंगना तेरे हाथ होवे होर टूट गया सारा जीवन अंबरा च तारा ला दे पार दाती कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मैनू पवन च रख सेवादार दाती पवन च रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोत वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोत वाली माँ ममता दी करी से बचड़े ते छा ममता दी करी से बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नु चुकावा दे दे प्यार दाती कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मैं पवन च रख सेवादार दाती पवन च रख सेवादार दाती वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी से बचड़े ते छा पवन च रख कर देवी उपकार माँ अख चो न हंजू आवे न देवी प्यार माँ अख च न हंजू आवे न देवी प्यार माँ अख च न हंजू आवे न देवी प्यार माँ पवन च रख कर देवी उपकार माँ अख चो न हंजू आवे न देवी प्यार माँ अख च न हंजू आवे न देवी प्यार माँ जग वेख लिया सारा माए देखना नजारा ले जा द्वार दाती को
बछड़े ते छेरे दरियाम अकी सिर चुकावा दे प्यार दाती कोई ना किनारा एक तेरा ही सहारा मैं पवना च रख सेवादार दाती पवना च रख सेवादार शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता की करी से बचड़े ते छा असा फिर चरनी प्रीता पाई सचिया कर दे उड़ी का माए थक गया यकिया कर दे उड़ी का माए थक असा तेरे चरनी प्रीता पाई सचिया कर दे उड़ी का माए थक गया यकिया कर दे उड़ी का माए थक तुझे प्यार का हुलारा तेरा लाल मैं प्यारा ना विसार दाती कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मैं पवना च रख सेवादार दाती पवना च रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममताजी करी से बचड़े से छा ममताजी करी से बचड़े से छा तेरे दरिया माया के सिर न चुकावा दे प्यार दाती कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मैं पवना च रख सेवादार दाती पवना च रख सेवादार दाजिए जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो भक्तो जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो भक्तो जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो भक्तो जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो भक्तो जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो भक्तो जय माता जी बोलो जय माता जी बोलो सारे जय माता जी बोलो जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोलो सच्चे दरबार की जय एक धन प्रस्तुत कर रहे श्री यशपाल जय कारा शेर हमारी राम बोल सच्चे दरबार की जय आए हैं मैया हम द्वार तेरे आए हैं मैया द्वार तेरे तू सब दुनिया की वाली दुनिया की वाली आए हैं मैया हम द्वार तेरे तू सब दुनिया की वाली है तू सब दुनिया की वाली है आता है संसार तेरे तू सब दुनिया
दरबार की जय दिल वाली पाल की तनु मां बिठानाए दिल वाली पाल की तनु मां बिठानाए कल दे नाल तनु कर लेके जानाए ओ चल मेरे नाल तनु कर लेके अपने प्यार
के जाना Yeah.
कांचननिभं रुचिराख्यमालां पाशाङ्कुशोदवरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणबिन्दुशकला धरणं त्रिनेत्र वरदाम्बिकेशमणिशं बभुराक्ष्यामि सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रावसवः सन्ददान पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यज्ञे कृतेन संतन्नम वर्धयस्य सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयोत्सव जीवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं स्वपुत्रलाभं सत्सम्पत्यं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पे सभी आरती है, सभी बोलेगा। ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद गौरी तुमको निशि दिन ध्यावत मैया जी को निशि दिन ध्यावत हरि हरि Hare Krishna.
शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिदा नमस्तस्ये 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 नमो नमः नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिदा नमस्तस्ये 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 नमो नमः नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिदा नमस्तस्ये 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 नमो नमः नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिदा नमस्तस्ये 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 नमो नमः नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संसिदा नमस्तस्ये 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 नमो नमः नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिदा नमस्तस्ये 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 नमो नमः नमस्तस्ये नमो नमः सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरवली जीदा बोल सच्चे दरबार की। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम देही मे परमं सुखम देही मे परमं सुखम रूपम देही जयम देही रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो रही यशो देही ध्वजो रही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमी गुरु जी को वंदना द्वितीय याद गणेश तृतीय जुमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय माँ आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया पहल तो सतगढ़ी जो चरणाधा ध्यान जय माँ।
भर्गं चक्रगदेश तापवर्यां चोलं वशुण्डिं च सङ्गमं सन्दरलिं करेश नयनां सर्वाङ्गभूषाभृतां नीलाक्षमधुनिवासपादशकां सेवे महाकालिकां जागतो सविदेहरो कमलजो हंसं मधुं केशवं अक्षासर्पशङ्करेशभुषां परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिङ्गचरमजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाददर्शने च ददते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे शेरमर्दने मे महा लक्ष्मी सरोजस्तिकां घण्टाशूलहलादशङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अक्षादेकरान्तविरसा श्वेताचतुल्याप्रवां धोरी देवसमध्वभां त्रिजगताम् आधारभूतामहं पूर्वामत्र सरस्वती मर्वजे शुम्भादिनत्रायणे तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या कविणां त्वमेव त्वमेव सर्वां देव देव शान्ताकारं वैवर्यं परमनाभं स्वेशं विश्वाधारं करुणदेशं वेगवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानवन्दं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं अचलं केशवं रामनारायणं कृष्णापदं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मनुजे कुमारे गोविन्द गोपाल मकन्ति शौरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते सत्या ज्योता भाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा कुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लुंकड़ा भीड़ भागवत तेरी सदा बोला सत्य दरबार की धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का विनाश हो विश्व का विनाश हो विश्व का विनाश हो भारत वर्ष भारत हो भारत वर्ष भारत हो भारत वर्ष भारत हो हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेरवाली दास हो सच्चे दरबार की जय।